हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम राणा आप सबों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ्स विथ मैजिक में। इस वीडियो में हम हिस्ट्री का पार्ट 8 तक हमने किया था, पार्ट 9 आज करेंगे। और पीजीटी का जो फॉर्म है वो भरने का डेट आगे बढ़ गया है, नवंबर तक चला गया है। तो अगर आप में से अगर नहीं भरे हैं तो अच्छा अवसर है, नहीं भरे तो भर लीजिए, है ना। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पार्ट 9 करेंगे, तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? वाकाटक, शक, इक्ष्वाकु या खारवेल? इसमें क्या बनेगा सही आंसर? ऑप्शन सी होगा, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में क्या कहा गया है? श्री पर्वतीय कहा गया है। एक चीज और कहा गया है इन्हें, आंध्र भृत्य कहा गया है। आंध्र भृत्य क्या होता है? आंध्र भृत्य मतलब आंध्रों का नौकर, है ना, आंध्रों का नौकर। इक्ष्वाकु वंश का जो संस्थापक है था एक्चुअली में श्री शांतमूल था। कौन था श्री शांतमूल? संस्थापक था इक्ष्वाकु वंश का। इक्ष्वाकु जो थे पहले सातवाहनों के सामंत थे, लेकिन समय के साथ जैसे ही सातवाहन शासक जो थे कमजोर हो गए, उनका पतन स्टार्ट हो गया, वैसे इक्ष्वाकु वंश के इक्ष्वाकु ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और एक नए वंश की नींव डाली, जिसको कहा गया इक्ष्वाकु वंश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? वीमा कटफिसस, कुजुला कटफिसस, कनिष्क या हरमीज ने? इसमें क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए होगा, वीमा कटफिसस। ये किस वंश के थे? तो ये कुषाण वंश के थे, है ना, कुषाण वंश के थे। और ये कनिष्क के पापा थे, है ना, कनिष्क के पापा। ठीक है, इन्होंने सोने के सिक्कों का प्रचलन किया था। वहीं कुजुला कटफिसस की हम बात करें तो ये भी कुषाण वंश से ही संबंधित है और इन्होंने तांबे का सिक्का चलाया था, तांबे का सिक्का। अगला क्वेश्चन, सार्थवाह किसे कहते थे? क्या सार्थवाह दलालों को कहा जाता था या व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था, महाजनों को कहा जाता था या तीर्थयात्रियों को कहा जाता था? क्या होगा इसमें सही आंसर? ऑप्शन बी होगा, व्यापारियों के काफिले को कहा जाता था मौर्य काल में, है ना, मौर्य काल में। वैसे कारवां तो कहते ही हैं इनको, है ना, क्या कहते हैं? कारवां, ये तो अभी भी कहा जाता है कारवां। ठीक है, तो मौर्य काल में सातवाहन कहा जाता था। ठीक है, और इसका उल्लेख कौटिल्य का अर्थशास्त्र में भी मिलता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? पूछ रहा है मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, अग्रहारी, युक्त, प्रादेशिक
या राजू? इसमें क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए होगा अग्रहारिक भाग नहीं हुआ करते थे, जबकि युक्त प्रादेशिक और राजुक होते थे। युक्त कौन होता था? जिले के अधिकारी को युक्त बोलते थे। प्रादेशिक होता था मंडल अधिकारी। राजुक होता था कौन? राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी और बाद में न्याय अधिकारी भी बन गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? क्या होना चाहिए इसमें सही आंसर? ऑप्शन सी होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी राजस्व का उपज का 1/2 भाग ले लेता था। 1/2 भाग वो राजस्व के रूप में वसूल लेता था। कहने का मतलब है उपज का 50% है ना। अलाउद्दीन खिलजी की थोड़ा हम बात कर लेते हैं। यहाँ इनके विजय अभियानों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इन्होंने गुजरात पे कब अटैक किया था? गुजरात पे किया था 1298 से 1299 ईस्वी में। राजा कौन था गुजरात का उस समय? राय कर्ण। फिर इन्होंने रणथंभौर पे अटैक किया था 1301 ईस्वी में। उस समय वहां का राजा था हमीर देव। कौन था? हमीर देव। चित्तौड़ पे इन्होंने बहुत ही फेमस अटैक जाना जाता है। चित्तौड़ पे रानी पद्मावती का नाम सुना होगा। 1303 में चित्तौड़ पे अटैक होता है। राजा कौन थे? राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। पद्मावती की कहानी चित्तौड़ से ही जुड़ी हुई है। फिर इन्होंने मालवा पे अटैक किया था 1305 ईस्वी में, है ना। उस समय वहां का राजा था महलक देव। कौन था? महलक देव। इनमें से किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में हराया था? अब्दुल्ला खां उज़्बेक, शैबानी खान, जॉनी बेग या उबैदुल्ला खान? सही आंसर इसमें क्या होगा? शैबानी खान होगा, है ना। शैबानी खान होगा। ठीक है, कब हराया था शैबानी खान ने इनको? 1501 ईस्वी में हराया था। 1501 ईस्वी में। कौन से युद्ध में? युद्ध का नाम क्या है? सरे पुल का युद्ध। सरे पुल का युद्ध। ठीक है, इसमें जो सैबानी खान हराया बाबर को, उसमें उन्होंने तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया था। तुलगमा रणनीति अपनाई थी, जो इन्होंने किससे सीखा था? तो उज्बेकों से सीखा था, है ना। जब बाबर हार गया सरे पुल के युद्ध में, तो बाबर एनालाइज करता है कि उसके हारने की वजह क्या थी। जबकि अगर सेना को देखे तो सेना बाबर की ज्यादा थी, शैबानी खान की कम थी बाबर की अपेक्षा। उसके बावजूद भी शैबानी खान जीत जाता है। तो उसने पाया कि उसने एक रणनीति यूज की थी, जिसे तुलगमा रणनीति कहते हैं। क्या था ये तुलगमा रणनीति? तो तुलगमा रणनीति में अपनी छोटी सी सेना को कई सारे इकाइयों में बांट देते हैं। कई सारे इकाइयों में बांट दिया जाता था, कई सारे डिवीजन में बांटा जाता था। ठीक है, और उसी डिवीजन में डिवीजन को चारों तरफ से शत्रु को घेर लिया जाता था, ताकि शत्रु भाग ना पाए और किसी भी तरह से उनकी शत्रु की जीत ना हो पाए, है
ये टेक्निक थी अलग से, जिसमें वो कम सेना में भी युद्ध को आसानी से जीता जा सकता था, है ना। तो बाबर ने फिर यही रणनीति अपनाई, और जब भारत पे अटैक करता है बाबर, तो उसने यही रणनीति करता है जो यहाँ के शासकों में नहीं होती है, ये रणनीति उन्हें नहीं सीखी होती है, और यही वजह है कि बाबर लगातार जीतता जाता है, जीतता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलो कोंटी कौन था? एक प्रसिद्ध चित्रकार था, इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, क्या वह एक पुर्तगाली यात्री था या एक ईरानी यात्री था? कौन था? एक इटली का यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। कब आया था निकोलो कोंटी? देवराय प्रथम के टाइम में आया था, देवराय प्रथम के शासन काल में आता है, और यहाँ पे वो यहाँ होने होने वाले, मतलब यहाँ मनाए जाने वाले नवरात्रि और दिवाली पर्वों का जिक्र करता है, ठीक है। इसके अलावा वह यहाँ पे दास प्रथा का भी उल्लेख करता है। कौन? निकोलो कोंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा रेखा क्या थी? कौन सी नदी थी? ब्यास नदी थी, रावी थी, सिंधु थी, सतलज थी? क्या थी? तो रावी नदी थी। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ही सबसे ज्यादा मंगोल अटैक हुए, है ना। तो 1306 ईस्वी में कबक खान के नेतृत्व में, कबक खान जो मंगोल नेता था, कबक खान के नेतृत्व में यहाँ पे अटैक हो जाता है। इस अटैक को रोकता है मलिक कफूर। मलिक कफूर प्लस कौन रोकता है? गाजी मलिक। गाजी मलिक दोनों मिलकर के रोकते हैं, और उनमें एक समझौता होता है जिसमें रावी नदी को सीमा रेखा मान लिया जाता है ना। अगला क्वेश्चन, मिलान करना है, सूची वन को सूची टू से मिलान कीजिए। दंडवत होने की प्रथा क्या थी? कदम चूमने की प्रथा क्या थी? सैन्य विभाग क्या था? वंश क्या था, है ना। तो चलिए मिलाते हैं, वंश। वंश एक अफरासियाब वंश था, जो बलबन खुद को अफरासियाब का वंशज बताता था, जो ईरान के उच्च कुल का वंश था, ठीक है। सैन्य विभाग क्या हो जाएगा? दीवाने अर्ज हो जाएगा। कदम चूमने की प्रथा क्या हो जाएगी? पाबोस कहा जाता था। दंडवत होने की प्रथा क्या थी? सिजदा। सारा हो गया। अगला, शिवाजी का जन्म कब हुआ था और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? 1626 या 1675, 1625 या 1671, 1627 से 1661, या 1627 या 1674। सही आंसर यही है, 1627 में शिवाजी का जन्म होता है और 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम शिवाजी की बात कर लेते हैं। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु ये कौन थे? गुरु रामदास थे। इन्होंने पुरंदर के किले को जीता था 1648 में, पुरंदर का किला, है ना। लेकिन जब पुरंदर की संधि पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा जून 1665 ईस्वी में, जून 1665 में, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? राजा जयसिंह, राजा जयसिंह प्लस शिवाजी में दोनों के बीच हुई थी, जिसमें से 23 किला मुगलों को देना पड़ गया था शिवाजी को, है ना।
देना हो गया था, राजा जैसे मुगलों की साइड से थे। ठीक है, शिवाजी की डेथ हो जाती है 1680 में, और शिवाजी का अंतिम अगर अभियान पूछा जाएगा, अंतिम अभियान, तो क्या हो जाएगा? संगम नेर का अभियान था, संगम नेर का अभियान कब हुआ था? 1679 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति इसमें किसे कहते हैं? इसमें देखिए आपके ऑप्शन और क्या होना चाहिए, इसका आंसर बताइए। तो इसमें सही आंसर होगा 1688 की इंग्लैंड क्रांति को कहा जाता है ना, जो हुई थी, इंग्लैंड के राजा थे जेम्स द्वितीय, इनके शासनकाल में हुई थी। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? कार्ल मार्क्स, लेनिन, जॉन रस्किन या एडम स्मिथ? क्या होगा इसमें सही आंसर? कार्ल मार्क्स है ना, जन्म हुआ था इनका 1818 में, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने दो पुस्तक लिखी है, बहुत ही फेमस, पूछा जाता है बहुत बार। एक तो थी दास कैपिटल, और एक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। है ना, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही धर्म की तुलना अफीम से की थी। अगला इन्होंने एक नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो। पूर्वी तिमोर दुनिया का सबसे बाद का स्वतंत्र राष्ट्र पहले किसके द्वारा शासित था? तो ये था इंडोनेशिया द्वारा शासित। पूर्वी तिमोर 1998 में आजाद हुआ, इसकी राजधानी है दिल्ली। पुनर्जागरण का आरंभ हुआ था कहाँ से? जर्मनी से, रूस से, भारत से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पुनर्जागरण का शुरुआत हुआ था इटली से। इटली का एक नगर है फ्लोरेंस नगर, यहीं से शुरू हुआ था। अब पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन है? ये है कौन? दांते। दांते ने एक पुस्तक लिखी है डिवाइन कॉमेडी। है ना, किस भाषा में लिखी है? भाषा भी पूछा जाता है, टस्कन भाषा में। ठीक है, और इस पुस्तक में है क्या? तो स्वर्ग और नर्क की काल्पनिक कथाओं का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, रक्त संबंध से समाज और समाज से राज की उत्पत्ति हुई है, ये कथन किस विचारक का है? ये कथन है मैकाइवर का, ये कथन है मैकाइवर का, है ना। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता को स्वीकृति मिली थी किस संधि से? पेरिस की संधि से। अमेरिका कब आजाद हुआ है? 1776, 4 जुलाई, है ना, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ है। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमेन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बंस? ये बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर ही क्वेश्चन डाल देते हैं वो। कैप्टन स्लीमेन हो जाएगा आंसर। और कौन थे वायसराय उस समय पूछा जाएगा? तो वायसराय स्लीमेन नहीं थे, वायसराय थे बेंटी, विलियम बेंटी, है ना। इन्होंने ही भेजा था 1830 ईस्वी में कैप्टन स्लीमेन को ठगों के उन्मूलन के लिए।
ये ठग जो है देवी काली और दुर्गा की पूजा करते थे और अपने शिकार का क्या करते थे, सर काट के देवी माँ के चरणों में चढ़ा देते थे। और उनका मानना था, वे कहते थे कि इनकी किस्मत में मृत्यु इसी टाइप से होनी थी और हमने कोई गुनाह नहीं किया है इनको मार करके, है ना। तो 1830 में ठगी प्रथा का उन्मूलन करते हैं। इससे ठीक 1 साल पहले 1829 में सती प्रथा का अंत हो जाता है राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक दोनों के प्रयास से। धारा पूछा जाएगा कौन सा धारा के तहत, तो धारा 17 के तहत विधवाओं को जलाना बंद कर दिया जाता है, ठीक है। शिशु बालिका हत्या भी, शिशु बालिका हत्या भी इन्हीं के टाइम में बंद हुई है। 1831 में विलियम बेंटिक ने हड़प लिया था, दिमाग से फिसल रहा है, 1831 में अभी दिमाग से फिसल गया, याद आएगा तो बता दूंगी। 1834 में कुर्ग जिला और मध्य कचेर को हड़प लिया था, है ना। इसको अभी रहने दीजिए, कभी आएगा, अभी अगर वीडियो के दौरान याद आ जाता है तो बता देंगे ना। इसको 1834 में कुर्ग और मध्य कचेर को हड़प लिया था। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें मिलाना है, एक संगठन है, संस्थापक है। एसएन बनर्जी किसके संस्थापक, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। आनंद मोहन बोस ये है इंडियन सोसाइटी के संस्थापक। विलियम एडम्स हो जाएंगे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक, और द्वारकानाथ टैगोर हो जाएंगे लैंड होल्डर सोसाइटी। एक बार फिर से कर लेते हैं, एसएन बनर्जी हो जाएंगे इंडियन एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस हो जाएंगे इंडियन सोसाइटी के संस्थापक, विलियम एडम्स हो जाएंगे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक, और द्वारकानाथ टैगोर हो जाएंगे लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक। फिनिक्स आश्रम कहाँ है, ये है डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में गांधी जी ने की थी। यहीं से एक पत्रिका भी उन्होंने निकाला था, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन है ना, जो किस किस भाषा में छपता था, हिंदी, गुजराती और तमिल में। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, कॉलेज का नाम पूछा जा रहा है। ये होगा ऑप्शन ए, श्यामल दास कॉलेज भावनगर में इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई की थी। और स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की थी, राजकोट में है अल्फ्रेड हाई स्कूल। अल्फ्रेड हाई स्कूल। और लॉ की पढ़ाई कहाँ से की थी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, तो ये एरिया था अवध का। बाबा रामचंद्र रहने वाले थे महाराष्ट्र के, है ना। और 1920 में इन्होंने किसान संगठन की स्थापना की थी अवध में। अगला क्वेश्चन, चंपारण संघर्ष में किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था, तो किन्होंने दिया था, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। जैसे इसमें बहुत सारे थे जिन्होंने गांधी जी का साथ दिया था, लेकिन दो जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है ये यही दोनों है ना।
राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। चंपारण संघर्ष 1917 में हुआ था, यही से गांधी जी लोकप्रिय हो जाते हैं और एक बड़े नेता के रूप में उभरते हैं। गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, राजकुमार शुक्ल ने। भारत में पहला मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में बना था वो कौन सा मकबरा था? तो ये है बलबन का मकबरा, है ना। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था? ये होता था मीर बख्शी। अगला क्वेश्चन, और यही हमारा अंतिम क्वेश्चन है। निम्न में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? ये था ऑप्शन सी अकबर, है ना। अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो कल होगा पार्ट 10 इसका, है ना। और बाकी सारे अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देखिए इसको जरूर, और फीडबैक जरूर दीजिए कम से कम कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है, थोड़ा सुझाव दीजिए, है ना। तो फिर चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।